सुखद वाग हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश वर्मा महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं विंध्यवासिनी माता के चरणों में आया हूं दर्शन के लिए। शुभ दर्शन हो गया है और विंध्यवासिनी माता का जो कथा है, जो यहां की डिटेल है, दिपेश जी बताएंगे और आप लोग सुने। बताइए। माँ भगवती माँ लक्ष्मी के रूप में यहाँ विराजमान है आदि शक्तिपीठ, शक्तिपीठों में नहीं आदि अनाज से माँ भगवती यहाँ पे ये जो पेड़ पेड़ छुपे गए हैं ये आदि से है और भगवती का स्वरूप तीन रूप में यहाँ बटा हुआ है, महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती के रूप में। एक अष्टभुजी मंदिर है भगवती के धाम के त्रिकोण में, वो अष्टभुजी कंसे के हाथ से छुटी हुई थी, माँ अष्टभुजी हैं और अतवी विनाशी महाकाली और इनके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान करते हैं, माँ भगवती के नीचे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि जहाँ विंध्यवासिनी माता है विराजमान है वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन शिवलिंग इनके नीचे विराजमान है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा सनातन सत्यता कभी भी किसी के सामने प्रमाण देने के लिए नहीं सोचता है। प्रमाण ऑलरेडी है हमारे शास्त्र, हमारे इतिहास में सारे प्रमाण यहाँ पे सारे प्रमाण मिल जाते हैं। मैं हमेशा आप सभी को बोलता हूँ सनातन सत्यता की तरफ जाइए, आप अपने आप को पहचानिए, अपने देवी देवताओं में विश्वास रखिए, जो कार्य करने जा रहे हैं उनमें पूरी तरह से विश्वास रखकर ही जाएं तो आपका कल्याण होगा, आप हर एक परीक्षा में पास हो जाएंगे। ठीक है, जिसे आप देख रहे हैं चारों तरफ का ले लीजिए, है ना, चारों तरफ का ले लीजिए।